कभी कभी आप देखते हैं कि आपका हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है इसमें भी ऐसे आर्टिकल आते हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और वैसे भी आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत बढ़िया लिखे जाते हैं। अभी आपका आर्टिकल लिखा हुआ है कुलभूषण जो जाधव साहब हैं हमारे, उन्हीं पर आधारित लिखा गया है इस आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग इस आर्टिकल को देखने से पहले आपको कुलभूषण जाधव साहब के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देते हैं। याद रखिए, इन्हें 2016 में पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किया गया भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये बलूचिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे और भारत की खुफिया एजेंसी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के कर्मचारी हैं, ये भारत की तरफ से बता रहा हूँ, जो भारत ने अभी सॉरी पाकिस्तान ने जो वक्तव्य दिया था गिरफ्तार करने के बाद। लेकिन आपके भारत का क्या मानना है कि ये पूर्व यानी कि भारतीय नागरिक है और पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। ये अपना ईरान में अपना इनका व्यापार था, वहां काम करते थे, भारत का ये मानना है, और इन्हें वहीं से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पाकिस्तान और कुछ बोलता है। याद रखिए, इनका जन्म की अगर क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके बनते रहेंगे, तो ये आपके इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1970 को। कब? 16 अक्टूबर 1970 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखिए, 10 अप्रैल 2017 में पाक फौज जो अदालत होती है उन्होंने इन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। 10 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाधव का मामला गया। वहां जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, उसने फांसी पर रोक लगा दी इसकी, किसकी? जाधव साहब की मुंह फांसी पर इन्होंने रोक लगा दी। ठीक, वही मामला अभी भी चल रहा है। कुल इसके जो संपादक हैं, याद रखिए, उनका नाम है सुशांत सुशांत सरीन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के से जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जाधव ने भारतीय राजनयिकों के मिलने के दौरान पाकिस्तान ने जो अड़गा लगाया वह उनकी है फितरत को देखते हुए आश्चर्य पैदा नहीं करता है। भारत ने निर्विघ्न और बेरोक टोक मुलाकात की मांग की थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के तहत स्वीकार करना पाकिस्तान की मजबूरी थी। मगर जब इसे अमली जामा पहनाने का मौका आया, तो न सिर्फ आपसी बातचीत की रिकॉर्डिंग की खबर है, बल्कि डराने धमकाने वाले अंदाज में एक पाकिस्तानी अधिकारी भी वहां मौजूद रहा। सामान्य तौर पर काउंसल एक्सेस का अर्थ है कि राजनयिक नायकों की आरोपित व्यक्ति से निजी मुलाकात। इसमें तीसरे जो पक्ष होता है कोई दखल नहीं होना चाहिए। बैना कन्वेंशन के मुताबिक यह सुविधा इसलिए दी जाती है क्योंकि आरोपित व्यक्ति के पास अपने बचाव का कोई साधन नहीं होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए पाकिस्तान की स्थिति, क्योंकि ये अक्सर चर्चा में बना रहता है। देखिए, ये है पाकिस्तान, ठीक है, आपका पड़ोसी, और ये ईरान है। यहाँ की बात की जा रही है कि यहाँ ये गतिविधियां कर रहे थे, इसी में गिरफ्तार कर लिया। ये बलूचिस्तान है भारत का, पाकिस्तान का। अगर भारत की सीमा की बात करें तो इसकी गुजरात से भी लगती है, आपकी राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमा लगती हुई है, और जो अभी लद्दाख बना हुआ है इसकी भी सीमा लगती है। ठीक है, एक लिहाज से पाकिस्तान का यह रवैया भारत का पक्ष मजबूत करता है। चूंकि पाकिस्तान में कानून के मुताबिक व्यवस्थाएं नहीं चलती, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के तहत भारतीय राजनयिकों को कुलभूषण जाधव से मिलना लाजमी था। लिहाजा मुलाकात की तमाम गड़बड़ियों के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा फिर से खटखटा सकते हैं। अब यह दावा मजबूती से किया जा सकता है कि जाधव के मुकदमे को फर्जी करार देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाए। अदालत से यह भी गुजारिश की जा सकती है कि इस मुकदमे को किसी ऐसी जगह चलाने का हुक्म हो जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बेशक यह एक लंबी प्रक्रिया है, पर बिना काउंसलर एक्सेस के अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाना हमारी दावेदारी को कमजोर कर सकता है। याद रखिए, पाकिस्तान का रवैया इस तरह का है कि आप देखते हैं आतंकी घटनाओं में, देखिए हर बार मुंह की खानी पड़ती है पाकिस्तान को, फिर भी कभी सुधरता नहीं है। वही एक कहावत है ना कि वो कुत्ते की पूंछ पुगैया में डाली, काय में डाली, और वो निकाली सो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली। वही हाल पाकिस्तान का है कि कितनी भी मुंह की खानी पड़े, कितनी भी गिर जाए वो, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इस पूरे प्रकरण का एक अर्थ यह भी है कि कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान के पास कोई ठोस सबूत नहीं है।
भारत यह शुरू से कहता आया है कि हमारे राजनयिकों की यह मुलाकात इसलिए होनी थी ताकि पाकिस्तान की आम अदालत में कुलभूषण की जान की फांसी की सजा को चुनौती दी जा सके। इसका मतलब था कि अदालत पाकिस्तान की होती, वकील भी उसी के होते और तमाम जिरह भी पाकिस्तान करते। फिर भी पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस में बाधा पैदा की तो यह संकेत है कि वह अब भी इसे सबूत की तलाश में है जिससे आम अदालत में कुलभूषण की सजा बरकरार रखवाई जा सके। आप एक बात समझ सकते हैं कि वहीं मतलब हमारे यहाँ का कोई कोर्ट नहीं हुआ, हमारे वकील भी नहीं होंगे, वहां का सभी कुछ होगा, फिर भी पाकिस्तान डर रहा है। कुछ तो ऐसी कमी है कि पाकिस्तान मतलब इसके लिए डर रहा है, क्योंकि जो सजा का ऐलान करेंगे, जो अदालत होगी, सब पाकिस्तान के ही होंगे। उसमें पाकिस्तान की सैन्य अदालत किस तरीके से काम करती है, इसका अंदाजा हाल ही में पेशावर हाईकोर्ट के एक फैसले से होता है। हाईकोर्ट ने लगभग 200 ऐसे व्यक्तियों के मामले को गैर कानूनी बताया जिस पर दहशतगर्दी के मुकदमों में फौजी अदालतों में चलाए गए। हाईकोर्ट का तर्क था कि उन सभी को सजा पाकिस्तान के कानून के खिलाफ दी गई थी। अदालत ने यह भी कहा है कि हर आरोपित व्यक्ति के पास अपने बचाव में वकील रखने और तर्क पेश करने का अधिकार होता है, लेकिन फौजी अदालतों में ऐसी कोई सुविधा आरोपियों को नहीं दी गई। कोई सबूत भी पेश नहीं किए गए, सिर्फ आरोप लगाकर सजा सुनाई दी गई है। कुलभूषण जाधव का मामला इससे जुदा नहीं है, उनके खिलाफ सबूत तो दूर की बात है, अब तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। यानी कि कहने का मतलब है सीधा कि वहां राष्ट्रपति चुना जाता है, प्रधानमंत्री है, लेकिन चलती किसकी है, सेना के जो अधिकारी होती है उन्हीं की चलती है। यानी कि ये सेना के अधिकारी जो भी हैं वो ऊपर हैं, प्रधानमंत्री से ऊपर हैं और राष्ट्रपति से ऊपर हैं। यानी कि यहाँ प्रधानमंत्री फैसला नहीं लेता है, यहाँ फैसला कौन लेता है, जो भी सेना का अध्यक्ष होता है, सेना से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एक नाम मात्र का प्रधानमंत्री होता है यहाँ और राष्ट्रपति। दरअसल दो देशों के बीच ऐसे किसी मसले का अंत अमूमन कूटनीतिक तरीके से निकलता है। तमाम दुष्प्रचार के बाद पर्दे के पीछे से लेन देन करके मामले को सुलझा लिया जाता है। पर दिक्कत यह है कि भारत व पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो चुके, द्विपक्षीय संबंधों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि कूटनीतिक पहल की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में उम्मीद अंतरराष्ट्रीय अदालत से की है। यही वजह है कि कुलभूषण जाधव की सजा पर पाकिस्तान शायद ही हाल फिलहाल में अमल करे, उनके साथ बातचीत जैसा नहीं हो सकता, सरबजीत जैसा नहीं हो सकता उनके साथ, सरबजीत जैसा, क्योंकि सरबजीत को सामान्य जेल में रखा गया था, जबकि कुलभूषण जो जाधव है इन्हें फौज की निगरानी में रखा गया है। चूंकि यह मसला काफी गंभीर है, इसलिए यदि उन्हें कुछ होता है तो भारत में इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। और पाकिस्तान इस मामले में तो चालाक है। अभिनंदन के मामले में आप देखिए कि रिहा कर दिया गया अच्छे से, क्योंकि उस समय मतलब पूरा इंडिया हमारा जो भी है शक्तियां बैठी भरी पड़ी हुई थी, और आपने देखा है जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, उसके पहले आपने देखा स्ट्राइक की गई है, तो पाकिस्तान इतना समझ चुका था कि उसे बड़े मतलब बुरी तरह से हार का मुंह खाना पड़ेगी और बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए देख रहे हैं उसने आराम से अपना समझौता कर लिया। अभी पाकिस्तान कुलभूषण का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार के लिए करता रहेगा। इस बहाने वह यह भी साबित करना चाहता है कि बलूचिस्तान में बिगड़ रहे हालात की वजह विदेशी ताकते हैं। हालांकि यह असलियत छिपी नहीं है कि बलूच लोग पाकिस्तान की नीतियों से बुरी तरह खपा है और उनका विद्रोह अंदर खाने से पैदा हो रहे हैं। एक बात और है कि पिछले कुछ समय से दबी जुबान में यह बात चल रही है कि उजेर बलूच नामक कुख्यात तस्कर के एक परिजन की मदद से पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने कुलभूषण जाधव को अगवा किया था। उल्लेखनीय है कि उजेर के रिश्ते ISI से जितने मजबूत हैं उतने ही ईरानी खुफिया अधिकारियों से भी है। यही वजह है कि अगवा करने के बाद उन्हें ISI ने अपनी निगरानी में रखा और जेल में उन्हें तमाम तरह की सुख सुविधाएं दी जाती रही। कहा जा रहा है कि उन्हें तलीवानी प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसान की तरह फरार होने, इसे रिहा होने का मौका दिया जा सकता है। लिहाजा कुलभूषण को आम अदालत में पेश करने पर पाकिस्तान हुक्मरानों को उजेर का सच सार्वजनिक होने का भी डर है। बहरहाल
कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान की जमीन कितनी कमजोर है, इसका पता इसी तथ्य से चलता है कि जब उनको अगवा किया गया था तब एक साथ तीन तरह के बयान सामने आए थे। एक में उन्हें क्वेटा से करीब 600 किलोमीटर दूर पंचगूर बलूचिस्तान में गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, दूसरे बयान में क्वेटा में, और तीसरे बयान में उन्हें अफगानिस्तान सीमा पर पार करते हुए पकड़ने की बात कही गई थी। जब एक ही अधिकारी पर तीन अलग अलग बयान सामने आए तो समझा जा सकता है कि केस कितना कमजोर है। आगे देखिए जो भी अपडेट होता है हम लोग जुड़े रहेंगे इस केस से, और बहुत ही महत्वपूर्ण केस है आपका, क्योंकि 29 मार्च 2016 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था, अभी तक चल रहा है तो ये आपका। और 11 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने आर्मी अदालत ने से इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। ठीक है, तो मिलते रहेंगे हम लोग इसी के बाद।